गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आ चुके हैं हम आज एक और नया व्लॉग लेके। तो अभी देखिए टाइम हो गया जी 5:10 और कहीं हम गए थे तो अभी घर आए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस कुछ ख़रीदने के लिए, और शिवानी और राव्या तो जाएंगे मंदिर में क्योंकि आजकल सावन महीना है। तो मंदिर में, हमारे शिव मंदिर में शिव महापुराण का पाठ रखा हुआ, तो ये नहीं आज आ रही, आज मैं और पापा जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं पठानकोट में, तो कुछ हमने ख़रीदना है, तो बताते हैं आपको आज क्या खरीदने जा रहे हैं हम। तो चलते हैं पठानकोट, तो दिखाते हैं आपको। तो चलो जी चलते हैं फिर मार्केट में, तो बताते हैं आपको आज हम क्या खरीदने जा रहे हैं, घर के लिए कोई आइटम खरीदने लगे हैं। और राव्या बासे बासे डबा। अच्छा ठीक है, चलो ये गाइस बताना, राव्या ने आपको थोड़ा सा क्लू दिया है, बताना क्या चीज लेने जा रहे हैं हम। तो चलो चलते हैं जी गाइस, बाय। चलो जी देखिए, बाय बाय। आज मैं और पापा जा रहे हैं, ठीक है जी। पापा बोलते कि मैं 40 मिनट में पठानकोट से वापस आ जाता हूँ, तो मैं क्या, आज आप मेरे साथ जा रहे हैं तो आज 4 घंटे लग जाएंगे, तो देखना मेरे साथ कहीं गुस्से मत हो जाना कि मैं 40 मिनट में वापस आ जाता हूँ पठानकोट से तो तूने लगा दिए 4 घंटे। मैं पहले कमिट करके जा रहा हूँ घर से, गुस्से तो नहीं होगा मेरे से? नहीं। ठीक है जी, चलो चलते हैं, चलते हैं। तो गाइस चलते हैं, तो दिखाते हैं आपको, मैं निकालता हूँ स्कूटी। ठीक है, फिर ये देखिए गाइस स्कूटी मैंने निकाल ली है, अभी गेट करते हैं बंद, गेट करते हैं बंद, और स्कूटी मैंने ले ली है। ठीक है, चलो ये हमने लगा दी चाबी, मारते हैं सर। चलते हैं गाइस, हाय। जय जी शिव शंकर भोले भंडारी का मंदिर, जय हो शिव शंकर भोले भंडारी, जय गणपति गणेश, जय हो A few moments later। ये देखिए गाइस अभी हम जा रहे हैं, दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं, प्राइस और कुछ खरीदना यार गाइस अब हमने घर के लिए, और दिखाते हैं फिर, बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए गाइस अभी हम आ चुके हैं, दिखाते हैं आपको, ये देखिए, चलो आ जाओ। ये देखिए आ चुके हैं, और पाजी ठीक ठाक, कोई गल नहीं, कल लग पाजी मेरे प्रेजेंट की गल करने हैं, मेरे को ना कोई आया सर। चलो गाइस दिखाते हैं आपको, ये देखिए गाइस अभी हम आ चुके हैं भैया के पास, ये हमारे हैं सोनू भैया, और इन्हीं का सारा ये शोरूम है, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, और जो भी फर्नीचर है हम सोनू भैया से बनाते हैं, और इनके जो फर्नीचर है उसका नाम भैया कि है एआर फर्नीचर, हाँ एआर फर्नीचर से है इनका शोरूम, और खुद ही इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। और ये लोकेशन भैया पटेल चौक के पास, केड़ा पैंदा है, हाँ पटेल चौक के पास थोड़ा सा आगे आ जाओ, अच्छा सलारिया नगर के पास पड़ता है इनका, सलारिया नगर में पड़ता है बार जिम के पास, और ये इस तरह से कुछ सारा ही शोरूम है इनका। तो मैं दिखाता हूँ आपको, और ये देखिए इन्होंने बेड तैयार करके रखे हुए हैं इस तरह से कुछ, ये आजकल नए ट्रेंड में चल रहे हैं वो सेटी वाले बेड तैयार करके रखे हुए हैं इन्होंने शोरूम में। और आज मेरे साथ पापा भी आए हैं, और मैं और शिवानी डिज़ाइन पसंद कर गए थे बेड का, और भैया ने वो आज तैयार कर दिया है, और भैया ने हमें बुलाया था कि आप आके आज अपना बेड देख लो, फाइनल लुक तैयार हो चुकी है, तो आज हम बेड देखने आए हैं। तो इसी तरह मैं आज आपको इनके शोरूम की भी विज़िट करवा रहा हूँ, ये देखिए इन्होंने काफ़ी सुंदर सुंदर बेड तैयार करके रखे हुए हैं, ये देखिए ये इस तरह से कुछ, ये सारे ही काफ़ी बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन है, और सबसे बढ़िया बात है ये कि इन हाउस इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, ये खुद ही तैयार करते हैं ना भैया,
इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है और ये ऊपर इनकी वर्कशॉप है और ये खुद ही जितने भी आप बेड देख रहे हो और जितने भी सोफ़ास देख रहे हो ये खुद ही तैयार करते हैं और अपने ये फर्नीचर की फुल गारंटी देते हैं। अगर कुछ भी कमी पेशी हो तो घर से उठा के लाएंगे और नया फर्नीचर दे के जाएंगे, है ना। 5 ईयर की सर फुल गारंटी है। रिटर्न में ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसे बोल देंगे तो बाद में लेंगे नहीं वापस, रिटर्न में होगी, आपके पास भी होगी और हमारे पास भी होगी। 5 ईयर की फुल गारंटी। हाँ 5 ईयर की भैया ने फुल गारंटी रिटर्न में लिख के देनी है। अगर कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाएगी तो कस्टमर के घर से उठा के लाएंगे और नई चीज़ दे के जाएंगे। हाँ तो ये देखिए इस तरह से कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे बेड बने हुए हैं इनके भैया के पास, काफ़ी डिज़ाइन है। तो ये मैं सोफ़ा भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है आओ भाई सोफ़ा भी दिखाना। ये देखिए सोफ़ा भी बने हुए हैं काफ़ी। ये भैया 5 सीटर है, 6 सीटर, ठीक है, ये भी ऑन ऑर्डर ही है भैया के पास। जितने भी आप देख रहे हो ये बेड, ये जितने भी ऑन डिमांड ही सारा मटेरियल तैयार हुआ हुआ है, जितने भी सोफ़ा और जितने भी बेड है ये देखिए सारे ऑन डिमांड ही सभी के कस्टमरों के तैयार हो चुके हैं। आप जो भी डिज़ाइन बताओगे भैया को, जिस तरह का भी कोई बेड या सोफ़ा, कोई जिस तरह का भी कोई आप फर्नीचर बताओगे भैया तैयार कर देंगे। ये देखिए ये सोफ़ा वगैरह सभी भैया के, और भैया इन्होंने भैया ने अपने पास मैट्रेस भी रखे हुए हैं और आपको मैट्रेस ढूंढने के लिए मार्केट भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैट्रेस भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ये देखिए सोफ़ा काफ़ी तैयार हो चुके हैं यहाँ पर, और ये जितने भी है भैया सारे ऑन ऑर्डर ही है ना, सारे ऑन ऑर्डर ही है, ये सारे ऑन ऑर्डर ही बने हुए हैं। ये देखिए ये सारे सोफ़ास देखिए, ये देखिए सब ऑन ऑर्डर सोफ़ा तैयार हुआ है। जितना भी सोफ़ा बनता ना सर। हाँ जी हाँ जी, ऐसी फिनिशिंग दिखो तो ये कितनी है। हाँ हाँ हाँ, ये फिनिशिंग देखिए आप काफ़ी एकदम प्रॉपर, हर लाइनिंग लाइनिंग। हाँ जी हाँ जी, हर डब्बी वगैरह एक प्रॉपर साइज दिया। हाँ जी हाँ जी, उसी तरह ही रहा वैसे। हाँ जी हाँ जी, सारा नीचे भी सारा। हाँ जी हाँ जी, ये आपकी खुद मैन्युफैक्चरिंग है तो आप अपने हिसाब से पूरी क्वालिटी से तैयार करवाते हैं। हाँ जी प्रॉपर है, लाइनिंग प्रॉपर है, कपड़ा सारा अच्छा है, कपड़ा अच्छा है। उसके बाद हाँ जी 40 दिन से कट गद्दी नहीं पाते है, 10 ईयर दी इसकी वारंटी है। 10 ईयर दी वारंटी। हाँ जी ठीक है, अपर राउंड फिगर सोफे दी भी इसकी वारंटी है, वो 5 साल दी है, 5 साल दी राउंड फिगर। राउंड फिगर सारा जेड़ा लेग हैगा वो एसएस दा हैगा, एसएस दा है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, काफी बढ़िया क्वालिटी का काम करते हैं भैया, काम से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं ना, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। तो जो आप ऑर्डर दोगे, जिस प्रकार का भी आप डिज़ाइन बताओगे उसी प्रकार का भैया फर्नीचर तैयार करवाते हैं। हमने भी भैया से LED पैनल तैयार करवाया था, मैंने नेट से निकाल के डिज़ाइन बताया था भैया को, तो भैया ने वही डिज़ाइन तैयार कर दिया था, है ना। हाँ तो दिक्कत कोई नहीं है। ये भैया मेरे पीछे आ रहे हैं, तो प्लीज़ भैया के पास आए यार, पठानकोट में AR फर्नीचर के नाम पर इनका फर्नीचर हाउस है, इनकी खुद मैन्युफैक्चरिंग है, तो प्लीज़ यहाँ पे विज़िट करें और इनको भी सेवा का मौका दें। और फर्नीचर की गारंटी पूरी 100% फर्नीचर रिटर्न में, कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी आपको। तो हमें तो काफ़ी टाइम हो गया इनसे भैया से फर्नीचर खरीदते हुए, हमने इवन दिन तक अपनी सिस्टर के घर जम्मू तक इनका फर्नीचर पहुँचाया है, तो काफ़ी बढ़िया फर्नीचर बनाते हैं ये। तो आएँ आप भैया को सेवा का मौका दें। अभी मैं वो भी बेड दिखाऊँगा जो मैंने आज भैया से तैयार करवाया, वो भी आपको दिखाते हैं, ऊपर चलते हैं तो दिखवाते हैं। चलो आए आओ भैया दिखाओ हमें बेड, दिखाते हैं आपको। आ जाओ पापा, ये ऊपर अभी हम जा रहे हैं छत पे, ऊपर इनकी पूरी फैक्ट्री पूरा सेटअप यहीं पे है फैक्ट्री में, और ये देखिए ऊपर ही सारा इनका फैक्ट्री का सेटअप है भैया का, जितने भी बेड वगैरह। सोफ़ा तो दूसरी साइड पर तैयार होते हैं ना। हाँ जी, सोफ़ा इनके दूसरी भी फैक्ट्री है एक घर के ऊपर, वहाँ पर सोफ़ा तैयार होते हैं। और ये देखिए ये हमने बेड तैयार करवाया भैया से, तो काफ़ी बढ़िया तैयार किया है ये जी, हमने बेड तैयार करवाया। ये हम डिज़ाइन पसंद करके थे भैया ने हमें डिज़ाइन बताया था। हाँ ये देखो ये सेटी वाला आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, सेटी वाले बेड चल रहे हैं, और ये देखिए सेटी है इसके साथ। ये देखिए इसमें आप डेली यूजेज का सामान डाल सकते हो, और ये बॉक्स है, ये इस तरह से पूरा डिज़ाइन बना हुआ है, और पीछे वो इसकी पूरी डो बनी हुई है, साथ में एक्रेलिक ग्लास है भैया, एक्रेलिक ग्लास है, सारी SS है, बीच में रोज गोल्ड SS है लगाई हुई है, और ये पूरे पीछे गद्दी लगी हुई है, साथ में ये बॉक्सिस हैं, और साथ में हमारा आ गया एक चार्जिंग सॉकेट, और साथ में लाइट का स्विच, नीचे पावर, ये भी SS है, ये भी रोज गोल्ड, ठीक है। ये लाइटिंग आएगी, ये यहाँ पे लाइटिंग आ जाएगी, रात को अगर उठना हो तो साथ में स्विच है, कन्वीनियंट के लिए कि अंधेरे में रात को उठो तो पहले लाइट ऑन कर लो, है ना। और ये लाइट है,
और ये लाइट भी शायद आयरन बॉडी की है, लाइफ टाइम ख़राब नहीं होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, ये देखिए भैया ने ये डिज़ाइन हमने तैयार करवाया था, मैं और शिवानी आए थे, भैया को डिज़ाइन बताया था, तो भैया ने सेम एज टू एज इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भैया ने अपनी तरफ से किया है, वो बीच में SS का ये अपने इन्होंने खुद लगाया है डिज़ाइन को इंक्रीज़ करने के लिए कि इससे खूबसूरती बढ़ जाएगी। ये देखिए काफ़ी बढ़िया बेड तैयार हो गया, और ये भैया के सारे जो हैं कारीगर, पूरी इनकी टीम है, पूरी ये कारीगर वगैरह सारे हैं, है ना, पूरी टीम है इनकी आपकी, और ये पूरा फैक्ट्री का सेटअप है यहाँ पे। ये वो सामने भी वो LED पैनल तैयार हो रहा भैया, वो LED पैनल तैयार हो रहे हैं, ये देखिए बॉक्सेस तैयार हो चुके हैं कुछ, ये कुछ ये डो बन रही है उसकी बेड वगैरह की, ये ड्रेसिंग शीशे तैयार हो रहे हैं। हाँ ये इनके सोनू भैया के छोटे भाई, क्या नाम है भैया अपना? हाँ ये राहुल भैया हैं, और आप जब भी शोरूम में आओगे या तो राहुल भैया आपको मिलेंगे या सोनू भैया आपको मिलेंगे। ये देखिए ये चेयर्स तैयार कर रहे हैं, ये देखिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारा शीशम में टाली, अच्छा टाली शीशम की तैयार हो रही है ना, ठीक है ठीक, ये चेयर्स तैयार हो रही हैं। हाँ ठीक है, ये देखिए सारा इन्होंने भैया ने अपना पूरा गोदाम में ये सारा सामान प्लाईवुड वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए चलो, और सोनू भैया कुछ कहना चाहते हो? नहीं बस यही है। भैया अगर जिदा मेरा कोई नाम लेके आता जा मेरे वीडियो देख के कोई कस्टमर आता तो उन्होंने कोई स्पेशल डिस्काउंट भी दोगे? सर पूरी कोशिश करांगे, पूरा मन लगाएंगे। ठीक है, अगर ये वाली मेरी वीडियो देख के अगर कोई आता है भैया के पास तो जो भी जायज़ होगा भैया आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेस करेंगे, जो इनको सही लगेगा उतना डिस्काउंट आपको देंगे। लेस करने का मतलब सर ये नहीं है कि मटीरियल के नाल कितने भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, मटीरियल से कोई जनरली लैस होएगा, देखो ज़्यादा लैस के नाल नहीं जाते हैं, पहले ही होलसेल के उपर सारा ही फर्नीचर जोड़ा है आप सेल करते हैं, होलसेल प्राइस पर ही होता है इनका जो भी है, उस तो इलावा भी जो उपर बात होगी कॉन्सैक्शन होगी वो जरूर करा, मटीरियल के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मटीरियल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। तो बाकी जो भी होगा आप वीडियो देख के आएंगे तो भैया आप वारंटी जी आती है ना वो सर वो आती है कि कीड़ा लगने की, कीड़ा लगने अगर कीड़ा जो भी लग जाएगा लाइफ च मैं वापस लवांगा, पहली गल ये हैगी। दूसरा कितने गत्ता निकल आता है यार, बाकी मटीरियल में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा और प्राइस भी जो आपको होलसेल ही लगेंगे, फिर भी अगर कोई मेरी वीडियो देख के आता तो भैया आपका मान कर देंगे। ठीक है जी, आना यार यहाँ पे प्लीज़ विजिट करें भैया के पास, जो जिस टाइप का भी आप नेट से निकाल के दे दोगे ना, बेड सोफ़ा फर्नीचर वो सब कुछ आप तैयार कर देंगे भैया, तैयार कर देंगे, क्योंकि इनकी इन हाउस अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ये किसी से खुद तैयार नहीं करवाते, सारा खुद आप खुद ही तैयार करवाते हैं, और इनकी पूरी एक्सपर्ट टीम है इनके पास, जो आप कहोगे वही तैयार करके देंगे, है ना भैया? ठीक है। ये गाइज मेरे पीछे आप देख सकते हो AR फर्नीचर, ठीक है, ये पटेल चौक के पास ही है सलारिया नगर में, और बेड हमने देख लिया अपना, और कल आएंगे बेड भैया खुद ही लेके आएंगे घर में, तो कल भी आपको कंटिन्यूस करके बताएंगे घर में कमरे के अंदर लगाएंगे, और मैं और पापा भी आए थे, ठीक है, और बेड हमने देख लिया। बेड कैसे बने हैं? अच्छे बने, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेड बने हैं, ठीक है, भैया ने अपना पूरा 100% दिया, और भैया कल खुद ही गाड़ी में लेके आएंगे बेड, तो कल भी हम कंटिन्यूस रखेंगे वीडियो, तो फिर जब रूम में लगेगा तो दिखाएंगे आपको, तो अभी हम चलते हैं मार्केट में कुछ लेना, दिखाते हैं फिर आपको। The next day. गुड इवनिंग guys, क्या हाल चाल है, और आज है नेक्स्ट डे, कल मैं और पापा गए थे बेड देखने, फाइनल हो चुके थे, तो आज आ रहे हैं, अभी टाइम हो चुका है 5:15 का, और अभी तक गाड़ी नहीं आई, मैं गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, सोनू भैया का फ़ोन आया था कि हमने बेड लोड कर लिए हैं तो आने ही वाले हैं, तो मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ, तो आएंगे तो फिर दिखाते हैं आपको, गाड़ी आती है तो फिर अंदर बेड इंस्टॉल करेंगे, तो मैं उन्हीं का ही वेट कर रहा हूँ अभी, तो फिलहाल अभी तो गाड़ी आई नहीं है, देखते हैं कब तक आती है, और मैं यहीं गली में वेट कर रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको, मैंने निगाहें टिका के रखी हुई हैं, अभी गाड़ी आई नहीं है, देखते हैं कब तक आती है, वेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, ये गाइस हमारा बेड आ रहा है, तो हमने पहले ही तेल डाल दिया, देखा।
दस बेटा। ये देखिए गाइस, पापा और मम्मा नीचे बैठे और वेट कर रहे हैं बेड का कि कब आएगा कब आएगा। गाइस ये देखो, यहाँ पे दादी भी खड़ी हुई है। हे गाइस, यहाँ पे दादू बैठे हैं। दादू बोलते मैं भी बेड का इंतजार कर रहा हूँ, तो मेरे से बाहर नहीं बैठा जा रहा, तो मैं अंदर ही बैठ रहा हूँ। ये देखिए गाइस, हम तीनों ही खड़े हैं, ये जानी और भाभी, और मैं भी खड़ा हूँ। गाड़ी आ गई है नीचे हरियाल में, तो हम वेट कर रहे हैं, तो आने वाली है गाड़ी, दिखाते हैं फिर आपको। ये गाइस आ गई गाड़ी, अभी हमें सुनाई दे रही है, मैं जूम करता हूँ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आपको वहाँ से मुड़ती हुई दिखेगी। ओ भैया आ गए हैं, सबसे पहले आगे भैया आए हैं, वो पीछे गाड़ी भी आ गई, वो देखिए वो आ गई गाड़ी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी मैं जूम आउट करता हूँ, ये देखिए ये आ गई गाड़ी। आओ भाजी, वेलकम। वो देखिए गाइस, गाड़ी भी आ चुकी है, ये गाड़ी भी आ चुकी है, आ रही है हमारी गाड़ी और गद्दे बैठे। मैंने वो गेट बंद कर दे बेटा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई क्या चाल है? ये देखो जी, ये आ चुके हैं गाइस बेड, ये देखिए ये। और भाजी दिक्कत नहीं हुई कोई? ठीक है जी, ये आ चुके हैं गाइस बेड, अभी अंदर रखते हैं, ये दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये गाइस अभी उतारेंगे, उतार के फिर अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं फिर आपको। हे गाइस, हमारा सामान आ चुका है, ये देखो। हाय, ओह माय गॉड, ये देखिए गाइस अब सामान आएगा। ये देखिए गाइस, हमारी छट्टी आ चुकी है, ये देखो। चल अंदर, दादू खोलते हैं। ये देखिए गाइस, अब इसके अंदर डाल। देखिए गाइस, गद्दा बिछा चुका है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फैब्रिक है इसकी, लग्जरी की है। ये देखिए लग्जरी, ये देखिए ब्रेंटी कार्ड, ये देखिए हमारा ये कुशन बैक वाला गद्दा आ चुका है सेट ही। ले ये देखिए गद्दा, ये गद्दा इसका भी आ गया। लेन बना, पकड़ 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 गाइस, ये देखिए हमारी ढो आ चुकी है। हां तो ये देखिए जी बेटा, वो पकड़ना चाचू से कभी। ले बेटा ले, पीछे कमरे में रख दे। ये आ चुकी है जी बेड की डो, ये देखिए जो कल मैंने आपको दिखाई थी, ये देखिए ये आ गई जी डो, पूरी पूरी फिट आई है। ये देखिए जी, ये देखिए गाइस, अभी हमारा बेड आएगा, हम आपको ये देखिए गाइस, हमारा बेड आ चुका है। नहीं हो रहा, देखिए
गाइस अभी लाइटिंग का स्विच भी है, अभी लाइट नहीं होगी पर ऑन, और ये स्विच है। ये देखिए कितनी अच्छी डोर। ओके गाइस हमारा दूसरा बेड आ चुका है। ये देखिए गाइस हमारा पूरा बेड आ चुका है, और इसमें दो चीजें जो कि है अभी नहीं लगी हुई है, ये भी नहीं लगी हुई है अभी सेटी, ये भी नहीं। देखिए गाइस अभी बेड फिट किए जा रहे हैं। A few moments later. ये देखो भैया जा रहे हैं अभी वापस, ये उस्ताद जी भी आए थे साथ में हमारा सोफा ठीक करने। ठीक है भाई फिर, ठीक है। ये देखो भैया खुद छोड़ने आते हैं, जो भी फर्नीचर बनाता है उनके घर खुद छोड़ के फिट करके। ये देखिए हमारे घर भी भैया ने पूरा फिटिंग फुटिंग करके अब जा रहे हैं भैया। तो प्लीज़ सभी जाएँ भैया के पास, विजिट जरूर करें, एक बार देखें और फर्नीचर ज़रूर इनसे लें। ठीक है भाजी, ठीक है, ओके। बाकी कोई कमी पेशी होगी तो माफ करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है जी, ओके। ये देखिए गाइस हमारा बेड आ चुका है, यहाँ पे लग चुका है, और ये देखिए इस तरह से कुछ, और ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अभी ये मैं लाइट के करूँगा कनेक्शन, फिर दिखाते हैं आपको। ठीक है जी, द नेक्स्ट डे। ये देखिए गाइस आप मेरे पीछे, बारिश आ चुकी है, काफ़ी सुहावना मौसम हो चुका है। ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए बारिश लग चुकी है, और ये देखिए बरामदा भी पूरा गीला हो चुका है। ये आप आवाज़ भी सुन सकते हो गड़गड़ाहट की, बारिश हो रही है। और अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ बेड जो हमने परचेज किए थे, प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, आ चुका हूँ रूम में, और ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये मैंने बेड इंस्टॉल कर दिए हैं। पहले एक बार आप पूरी लुक देखिए, ये देखिए सेटी वाला बेड है, ये देखिए, ये इस तरह से कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये पूरा बेड इंस्टॉल हो चुका है, वो देखिए, और ये साथ में इसके सेटी है, और सेटी जो है इसमें आप अपना डेली यूज़ का जैसे पिल्लो वगैरह बेडशीट वगैरह इसमें डाल सकते हो। ये देखिए आप, इसमें स्पेस है, जैसे आप पिल्लो बेडशीट वगैरह इसमें डाल सकते हो। आजकल ये सेटी वाले बेड का ट्रेंड चला है, और ये देखिए इस तरह से कुछ मैंने बेड इंस्टॉल कर दिया, और वहाँ से ऊपर से मैंने वो देखिए वहाँ से मैंने बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी दे दिया इसको, और ये बेड की लाइटिंग भी ऑन हो चुकी है, और बेड के साथ ही ये गाइस मैं बताना चाहता हूँ आपको, इसके साथ ही ये एक मैं लाइट बंद करता हूँ, ये चार्जिंग सॉकेट भी है मोबाइल चार्ज करने के लिए, और ये लाइटिंग की सुविधा भी है, रात को उठना हो तो यहाँ पे लाइट जगा के बाथरूम वगैरह जाना हो तो। बताना गाइस कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो बेड की, नया बेड जो हमने ख़रीदा है। तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।